नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल धर्मेंद्र गणिम। जी हां मित्रों, DLED BTC या BEd या विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के टुडे की क्या अपडेट है उसके संबंध में, और जो विद्यार्थियों के द्वारा विपक्ष के प्रतिनिधित्वों, नेताओं, राजनेताओं आदि के द्वारा जो ज्ञापन के संबंध द्वारा अपनी परीक्षा एवं प्रमोट के संबंध में जो उनको अवगत कराया था मित्रों, तो उनका जो कार्यशैली है वो काफ़ी प्रभावित है और काफ़ी सफल भी रही है। जी हां मित्रों, तो आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी द्वारा क्या कुछ कहा गया है शासन को, और इसके संबंध में उनके द्वारा क्या कुछ ट्वीट किया गया है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जिसे आप देख पा रहे हैं कि छात्रों की परीक्षा नहीं कराई जाए UGC के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया है, और उनको प्रमोट किया जाए राहुल गांधी जी के द्वारा, जो है जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। जी हां मित्रों, क्योंकि जब तक विपक्ष सरकार के प्रति कोई कुछ और विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के राज्य और सरकार क्या कुछ कर सकती है उसके संबंध में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे मित्रों। तो जी हां मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। जी हां मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहां पर आप सभी स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं मित्रों कि सुने छात्रों की आवाज़, कोरोना काल में ना हो परीक्षाएँ राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करते हुए सरकार और UGC छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर पास करने को अनुरोध किया हुआ है। यानी इनके द्वारा जो पिछला प्रदर्शन है या सेमेस्टर हो या आपकी आंतरिक मूल्यांकन हो, जिसके आधार पर जो फॉर्मूला तैयार किया है उसके आधार पर जो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के लिए इन्होंने के द्वारा कहा गया, याद रखेंगे आप, ठीक है, अनुरोध किया गया है। तो UGC पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना संकट में परीक्षा कराना अनुचित होगा, UGC को छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए। एक वीडियो संदेश में राहुल ने कहा कि कोरोना से कई लोगों को नुकसान पहुंचा है। तो इस स्थिति को देखते हुए इनके द्वारा यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह संदेश आया है मित्रों। तो जी हां मित्रों, क्योंकि जब तक विपक्ष कुछ नहीं कहेगा सरकार पर दबाव नहीं होगा, तो इसी के संबंध में क्या कुछ और है जिसे भी आप जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही अपडेट दी थी कि मित्रों के ट्विटर अभियान के द्वारा कई विद्यार्थी अपडेट हैं, तो 5 लाख छात्रों ने रखी मांग, नहीं कराई जाए परीक्षा। जी हां मित्रों, कल शुक्रवार को देर शाम 3 बजे से यह ट्विटर अभियान चलाया गया था, जिसमें सभी देश के विद्यार्थियों को जोड़ा गया था। तो क्या कुछ है इसमें भी आप अपडेट रखेंगे, तो UGC की ओर से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने को लेकर जारी गाइडलाइन के से देशभर के छात्रों में आक्रोश है। NSUI ने शुक्रवार को एक ट्विटर पर अभियान चलाया, तो देश भर के 5 लाख से अधिक छात्रों ने ट्विटर कर कहा कि कोरोना के इस दौर में उन्हें बिना परीक्षा के पास किया जाए, यानी कि उनको प्रमोट किया जाए और परीक्षाएं किसी भी कीमत पर आयोजित नहीं कराई जाएं। दोपहर 3 बजे तक 4 लाख स्टूडेंट ने इसको ट्विटर अभियान में ट्वीट किया गया था। वहीं देर शाम तक परीक्षा नहीं कराने के समर्थन करने वालों की संख्या 5 लाख से अधिक पहुंच गई थी मित्रों। तो जी हां मित्रों, जैसा कि ट्विटर अभियान के द्वारा सरकार को इसको जागृत करने के लिए, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में परीक्षा न कराई जाए जो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के लिए 30 सितंबर कराने की जो गाइडलाइन दी है UGC के, उसके संबंध में यह अभियान चलाया गया था, और इसमें लगभग 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें भाग भी लिया था मित्रों। और वहीं पर राज्य सरकार की क्या कुछ गाइडलाइन है जिसे आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षा पर नहीं दे सकती है दखल। हाँ जी हाँ मित्रों, क्योंकि UGC की जो गाइडलाइन है, उसके जो एक्ट हैं, उसकी नियमावली है, उसमें कोई भी राज्य सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती है, क्योंकि ये एक परीक्षा कराने के लिए स्वतंत्र है, कंडक्ट अथॉरिटी है UGC, जो इसकी जो भी गाइडलाइन है वह राज्य सरकारों को माननी होगी, जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा न कराने की मांग उठाई है, हालांकि यह संभव नहीं है। और आप ये जो देख पा रहे हैं सभी अंतिम वर्ष की परीक्षा और अंतिम सेमेस्टर के लिए ही है, ठीक है। तो हालांकि यह संभव नहीं है, UGC दिशा निर्देश अनिवार्य रूप से सभी राज्यों और सभी विश्वविद्यालयों को मान्य होंगे, यानी कि UGC के द्वारा जो भी गाइडलाइन या दिशा निर्देश दिए जाते हैं वह सभी राज्यों और सभी विश्वविद्यालयों को मान्य होंगे। UGC एक्ट के सेक्शन 12 में स्पष्ट है कि वह परीक्षा संबंधी फैसला ले सकती है। UGC यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ फर्स्ट डिग्री रेगुलेशन 2003 के बिंदु 6 में स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को परीक्षा के बारे में UGC के सभी नियमों को मानना होगा। UGC ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मान्यता देती है। उस दौरान संस्था और UGC के समझौते पत्र जो होता है उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों को इन्हीं नियमों व समझौतों के तहत इस एक्ट में लिया गया है।
और यह फैसला जो है मानना होगा। यदि कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज UGC एक्ट के विपरीत फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा की बजाय असाइनमेंट से रिजल्ट जारी करता है, यानी कि उन्हें अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के लिए अगर यानी उन्हें प्रमोट करता है, तो उनकी डिग्री जो है वो मान्य यानी कि वैलिड नहीं होगी किसी भी जगह पर। इसके अलावा ऐसे संस्थान के खिलाफ मान्यता रद्द हो सकती है उनकी, और उनको जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या उनकी जो सीट है उनको भी कटौती की जा सकती है, जो कि इस एक्ट में प्रावधान है। यानी राज्य सरकार की क्या कुछ सीमित सीमाएं हैं उसको भी यहाँ पर UGC के द्वारा स्पष्ट कर दिया है अपने गाइडलाइन एक्ट के तहत। वहीं पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा जो विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के लिए जो एग्जाम कराया जाता है उसके संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि एग्जाम ना करा कर यानी प्रवेश प्रक्रिया की जो परीक्षा ना करा करके मेरिट से दाखिला लेने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र कर दिया गया है। क्या कुछ कहा गया उनके बारे में चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि UGC व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार स्नातक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर में कराए जाने की जो योजना है उनको इन्होंने स्पष्ट किया है, और COVID-19 के प्रकोप को देखते हुए विश्वविद्यालय इस साल स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं यानी कक्षाओं में जो दाखिला मेरिट के आधार पर लेने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि प्रवेश परीक्षा न करा करके वह मेरिट के आधार पर इनके लिए प्रवेश ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा शुक्रवार को मीडिया से ऑनलाइन मुखातिब हुए थे, और उन्होंने कहा कि COVID-19 के प्रकोप के देखते हुए UP बोर्ड में भी कक्षा 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 30% तक कमी कर दी गई है। फिलहाल 31 जुलाई तक सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। जी हां मित्रों, वहीं पर प्रवेश के लिए जो आवेदन की तिथि है बढ़ाने की तैयारी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं परीक्षाओं की तिथि के संबंध में कोई भी प्रवेश प्रक्रिया हो या उनकी तिथि बार बार चेंज की जा रही है, वह इस विषम परिस्थिति को देखते हुए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेज में प्रवेश के लिए चल रहे आवेदन की अंतिम तिथि फिर बढ़ाने की तैयारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा को भी 1 माह के लिए टालने की तैयारी, यानी कि जो इनके द्वारा इलाहाबाद जो प्रवेश प्रक्रिया की जो परीक्षा थी उसको भी 1 माह तक आगे तैयारी हो चुकी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 मई से शुरू हुई थी। 2 माह के दौरान भी या बाद उसके जितने आवेदन आए हैं उनको संख्या पिछले साल आए आवेदनों से कम है। स्पष्ट है कि लॉकडाउन के कारण इस बार आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी प्रभावित हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब 10 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी तब अंतिम तिथि घोषित नहीं की थी, बाद में अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई। इसके बाद आवेदन की तिथि को 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी और पुनः इसको बढ़ाने के लिए कह दिया गया। तो ये थी मित्रों आपके लिए टुडे की जो लेटेस्ट अपडेट आपके विद्यार्थी जीवन से संबंधित, आपकी परीक्षाओं के संबंध में DLED BTC या विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संबंध में क्या कुछ अपडेट है मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा मित्रों।